अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो ईद की मुबारक मैं तब दूंगा जब मैं रेडी हो जाऊंगा और ईद नमाज पढ़ के आऊंगा, तब मुबारक दूंगा जी। अभी मैं उठ के खड़ा हूँ, 6:15 का टाइम है और 6:45 मतलब 6:45 पे जो है वो ईद नमाज़ पढ़ी जाएगी। मतलब कि सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, मैं जल्दी से नहा के फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके ईद नमाज़ पढ़ के आता हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ईद मुबारक भी शेयर होगी और इंशाअल्लाह ताला सब की लुक जो है वो चेक करेंगे कि सबने कैसी कैसी माशाल्लाह तैयारियां की हुई हैं। ईद मुबारक मोहम्मद हसन जानी, ईद मुबारक शहजादे, ईद मुबारक। माशाल्लाह जी, मोहम्मद हसन जानी आपके सामने रेडी होकर बैठा है जी, ये भी आप सबको ईद मुबारक दे रहा है, ऐसे बाय बाय करो, ईद मुबारक। और साथ में आ गया है बेबो जानी, और बेबो जानी भी बना हुआ है हीरो। घड़ी दिखाओ, घड़ी पहनी हुई है, वाओ वेरी नाइस। ये भी शहजादा रेडी है और ये भी शहजादा रेडी है, दोनों रेडी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो जी। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ और ईद नमाज़ पढ़ के आया हूँ, मैंने कहा जल्दी से आपको जो है ना ईद मुबारक दे दूँ। और यहाँ पर भी अभी मैडम की जो है तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, मेकअप वाला सामान जो है इनका आ चुका है और ये जब रेडी होगी इंशाल्लाह तब आपके साथ दुआ सलाम करेगी और तब जो है इंशाल्लाह मैं चेक करवाऊंगा। इसके जो है दो सूट यहाँ पे खड़े हैं, एक सूट जो है ये इधर खड़ा हुआ है और एक मैक्सी जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। अब देखते हैं, मैक्सी पहनेगी तो VIP, ये पहनेगी तो VIP। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा सूट जो है ना ये चूज करेगी और पहन के इंशाल्लाह सामने आएगी इंशाल्लाह, बस थोड़ा देर। हाँ जी, पहले ये टूथ ब्रश लगा रहे, टूथ ब्रश नहीं है वो फेस पाउडर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है, तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को बहुत बड़ी ईद जो है बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह पाक सबको जो है हमेशा खुश रखे और ईद जो है उनके नसीब में करे, तो हमेशा सबने खुश रहना है। और आप सबने बताना है कि मैं जो है आज कैसी लग रही हूँ, और हसन जानी जी वो भी रेडी हो चुका है तो माशाल्लाह से हंस ही जा रहा है। बस हसन जानी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक शहजादे। तो माशाल्लाह जी, ये हमने रात ही शॉपिंग की थी सबा की मैक्सी वाला सूट और इसके जो शूज हैं ऊंची खेड़ी वाले, इसको ज्यादा पसंद थे तो बड़ी दुकान एड़ी होती है वही एड़ी। रात हमने बड़ी दुकानों पे सर्च किया, पिक्चर लेके गए थे तो फिर जाके हमें ना मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे छोटा बाजार है ना, इसी वजह से ये चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ जी, और हसन जानी बिल्कुल रेडी। हाँ जी, बोले ना ये वाली जूती जब कहे ना अहमद, कहते यूके से ऑर्डर करो, वहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतनी पूरा बाजार तो हमने छान मारा ना। हाँ जी, बेबे छोड़ो, तो ना नहीं मिली, फिर मैंने कहा वही यूके से ही मंगवाओ आप, क्योंकि इधर से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मिल चुकी है। बेबो आप कैप पहनो और इस्लामुद्दीन भी माशाल्लाह तैयारी करके आ चुके हो और बेबो जानी भी रेडी हुआ पड़ा है, जैसे आपको दिखाया था अभी कैप भी पहनेगा, तो देखना ड्रेसेस के साथ ना मैचिंग है। ये कैसे पहन रहे हो? हाँ ऐसे चले जी। हाँ कैसे लग रहे हो? सबको बोलो ईद मुबारक। तो चलें जी, अभी ना हम सबको ईद मिलने जाएंगे और उसके बाद जो है ना
फिर हम करवाएंगे पैसे छुट्टे, मतलब के पैसे खुले, फिर तो सब बच्चों को बुलाएंगे और बच्चों को ईदी भी देंगे। हाँ जी, आज जो है ना पैसे लेने का टाइम आ गया है, अहमद की जेब खाली करने का है ना। हाँ जी, हम पिछले डेढ़ महीना तो हुआ है आपने लिया है, अभी आज तो नहीं दूंगा ईद की खर्ची। नहीं, आज मैं भी लूंगी ना, ईद की खर्ची तो बनती है ना। बिल्कुल सही बात। तो फिर चलें जी, अभी चलते हैं ईद मिलने के लिए। सबसे पहले अम्मी के पास, अब्बू अभी तक आए नहीं है, वो ईद नमाज पढ़ाने गए थे किसी और मस्जिद में, और हमने तो अपनी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज अदा की। एक मिनट, मैं अंदर ना पंखा बंद करके आती हूँ, फिर हसन जानी को एक मिनट उठा लो। जी आप उठा लो पंखा बंद करना, कोई हसन जानी को नहीं उठाना पड़ेगा। अभी जी हम रवाना हो चुके हैं, अभी हम सबको जो है ना वो ईद मिलने जा रहे हैं। जो घर होगा, जो रेडी होगा, उनसे ईद मिलेंगे। जो रेडी नहीं होगा उनसे ईद नहीं मिलेंगे। जब वो रेडी होगा ना फिर मिलेंगे, क्योंकि हमारा असूल है जो रेडी होकर ईद वाले दिन ना हमारे सामने आएगा उसको हम इंशाल्लाह ताला गले से लगाएंगे और ईद मिलेंगे। हाँ जी, अम्मी जान को तो मैंने रात कहा था, अम्मी जान आपने रेडी होकर रहना है सुबह सुबह, तो माशाल्लाह वो तो रेडी होगी इंशाल्लाह। आज नहीं जा रहा मुबारक। माशाल्लाह अम्मी जान आप तो सुबह सुबह रेडी हो गई थी। हाँ जी, तो ये अम्मी जान ने ना परसों सूट लिया था, फिर ताजा जो है वो सिलाई करके माशाल्लाह पहन लिया। तो अम्मी जान कहती है इस तरह के सूट तो हमारी उम्र नहीं है पहनने की। हम कहते हैं कि वीआईपी ना कोई कढ़ाई शढ़ाई वाले पहना करें, अम्मी जान तैयार होकर रहा करें। अम्मी कहती है नहीं जी, ये अभी आपका टाइम है, आप ये पहन के गुजारे। बिल्कुल सिंपल हो बस। हाँ, तो अभी ना फिर वो हमने दूसरे कांटे वगैरह और बल्कि वो ये भिजवाए थे। हाँ, चूड़ियाँ पहनी हुई है ना। सही है, और इसमें भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और इसमें भी सही हो। हाँ, आज जो गर्मी हो रही है ना, ये डिजाइन कैसा बनाया, माशाल्लाह सही है, जबरदस्त है। चलें जी ईद मिल ली, वो भी ईद नमाज पढ़ाने गए थे थोड़ा दूर। हाँ, वो थोड़ी देर तक आएंगे, फिर वो जब आएंगे फिर ईद मिलेंगे। चलो हसन जानी को अपने पास रखो पंखे पे। इधर। हाँ जी, दरवाजा खटखटाना। ईद मुबारक। असलम खान साहब, खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, माशाल्लाह। बड़ी ढीली हो गई है तुम। पहले आप ईद मुबारक ले, बाद में बात जो बात कर दिए। जो तैयार होगा ना हम उससे मिलेंगे। ईद मुबारक। जो तैयार नहीं होगा उससे नहीं मिलेंगे फिलहाल। हाँ, लेकिन फिर भी बच्चे हम उनको अभी रेडी करेंगे, बाद में जो हम रेडी चले। हमने तो बच्चों को रेडी कर लिया। आपके तो दो ही बच्चे हैं, हमने कौन सा इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा है। आप बड़ी ढीली हो गई हो साहब आजकल। हाँ जी, मैं हो गई हूँ। तो माशाल्लाह बच्चों को तो हमने मिलवाया है, ये दोनों रेडी हुए पड़े थे, और अभी हैदर अली रेडी हो रहे हैं, और अभी ये भी रेडी हो रही है। ऐसे ना लगाओ, तेल शेल लगाओ, दुपट्टे शुपट्टे पहनो, चूड़ियाँ शूड़ियाँ पहनो। चलें जी, इनको भी ईद मिल ली, अभी चलते हैं किसी और घर। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है, अभी कोई तैयार हुआ है कोई नहीं हुआ। हाँ कोई नहीं, हम तो रेडी है ना। हाँ जी, भाभी जो है ना वो नहीं हुई। हाँ,
अम्मी अपनी को खोल दे, खोल दे यार इसको, पता नहीं क्या लिया हुआ है। इमली, खट्टी इमली, मीठी इमली होती है ये। चलो दे दो, ये लो दे दो। चलो जी आ जाए, अभी जो हम चलते हैं अकरम भाई के साथ और उनसे जो है इधर मिलते हैं, तो आप सबको भी मिलवाते हैं। हाँ जी, तो जी माशाल्लाह से फैमिली फैमिली जो है हम अकरम भाई के घर जो है पहुंच चुके हैं, तो अभी जो है मिलते हैं और आप सबको भी मिलवाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम, अभी तक ये भी रेडी नहीं हुए। भाई ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक अकरम खान साहब, खैर मुबारक, खैर मुबारक। अभी तक रेडी भी नहीं हुए? नहीं, आपका तो नौकर चाकर करने वाला है काम, तो खुद करते नहीं, वो तो लेट आते हैं, 12:30 बजे। आज ईद का दिन है, उनको छुट्टी है। तो मेरा ना घर का काम पड़ा हुआ था, मैंने कहा जल्दी से ये कर लूं तो फिर बाद में। नवीं टूटियां लवाईयां ते अजे तक नहाए भी नहीं तुसी? हैं नहीं, आपने तो ईद पड़ी होगी ना। हाँ। ये औरतों की बात है जी। हाँ जी, ये तो वैसे हमने कहा काम शाम ना बाद में करेंगे, पहले जो है ना ये तैयारियां शैयारियां कर लें, क्योंकि रूटीन जो है फिर खराब हो जाती है। हमने कहा हम अपना काम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना मट्टी इतनी ज्यादा है, तो फिर तैयार होके फिर काम करें तो सारा मेकअप वो जाया हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर लगा लें, ईद का दिन है, यही तो मेकअप उड़ाने के दिन होते हैं। हाँ। एक बार लगाएं फिर लगाएं, दिन में तीन चार बार मेकअप लगाना चाहिए, कैसे बेगम? बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, ओए होए, ये तो नजर नहीं आई। ईद मुबारक, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हो। अभी मेहंदी लगाई है क्या? नहीं, वैसे वैसे किया हमने, मैंने ऐसे समझा जैसे अभी अभी मेहंदी लगाई हुई है। सही, चले आपको भी ईद मुबारक इब्राहिम। अभी मुबारक इब्राहिम, अभी अभी खुले नहीं है इंशाल्लाह। कुछ बेहतर है, इतनी मुंह बनाया हुआ था, इसने सूजा हुआ था। ये दो तीन मत बाबू जान से ना दम करवाया है, तो आज ना ये सोजन कुछ। हाँ, आज माशाल्लाह काफी बेहतर लग रहे। चलें ईद तो अच्छी हो जाएगी ना। हाँ, ये गर्मी में ना निकलवाया इस। हाँ जी, वो बोल रहे हैं ईद मुबारक दे रहे हैं आपको, वो कोई भी सोनी छोकरी देखते हैं तो बोलने लग जाते हैं। वैसे भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने कहा हम तैयारी करके आए हैं शायद इसलिए बोल रहे हैं। वो वैसे ही बोलते हैं भाई। सही। हाँ जी, चलें जी अभी हम चलते हैं किसी और घर में। आप सब ने साथ रहना है। हाँ जी, चलें। अभी पता नहीं वो भी तैयार हुए हैं कि नहीं हुए। इधर से नहीं है मम्मा। ये दरवाजा बंद है। हाँ जी, वो आखिर में साइड पे, क्योंकि आगे दीवार है ना। हाँ जी, अभी जी हम इस घर में दाखिल हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं जी क्या होता है। देखते हैं जी क्या होता है, सोए हुए ना वो भी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करेगा उठे हुए होंगे। चलो जी आ जाए, आ जाए। बिल्कुल चुप और सन्नाटा सा है। इसका मतलब है कि नहीं यार उठे हुए होंगे, बच्चों का काम है अल्लाह की बंदी। बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे ना, कुछ भी बिल्कुल ऐसा लगता है घर में है ही नहीं कोई। चल कमरे में देख दे, आज वो आ गई आवाज आ गई आगे। हाँ जी, दरवाजा खटखटाना है ताकि वो रेडी शेडी हो जाए। सब रेडी है? आ जाए जनाब, सब रेडी है। आपने कहा सोए होंगे। नहीं, आवाज ही नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा सा था। भाई ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक, उठी दे मिलो। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई जान, मुबारकबाद, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, सोए चुप चुप। नंबरदार क्यों उदास है भाई, खर्ची मर्ची का मसला है क्या? नहीं। खैर मुबारक भाभी। पता क्या, मैंने ना जब हम घर आए ना अंदर मतलब दाखिल हुए, मैंने कहा सब सोए हुए, बिल्कुल आवाज़
हाँ जी देखे बच्चे जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। आप क्या कर रही हो? किस चीज की तैयारी? आपने ऊंट ज़िबा करना है? हाँ और क्या करना है? ऊंट खाना, खाना है। वाह जी वाह। ये जी अभी मेरे ख्याल में पहली बच्ची रेडी हो रही है और ये एहसान भी रेडी हो गया, लंबादार डॉक्टर साहब, मेहरान साहब। हाँ और दो बच्चे रहती है और खुद भी रहती है। खुद भी रहती है। हाँ हम देखे सब पूरी फैमिली रेडी है। अब्बू भी रेडी, अम्मी रेडी, हसन, बेबो, सबा सब रेडी माशाल्लाह। हाँ जी हम सुबह छह बजे उठ गए थे। मैं 5 बजे उठी थी। 6 बजे उठे, मैंने कपड़े इस्त्री लगाने। बच्चों को लगाती है एक-एक दे नलके दे वेच। हम तो जैसे उठे बच्चों को ऐसे एक एक लगाई और नलके में। आप भी उठा के ऐसे लगाती है एक एक और लगा दी रही पर किसी पर लगी नहीं। हाँ कोशिश की है लेकिन लगी नहीं। कोई बच्चे डीट बन जाते हैं ज्यादा, वो कहते हैं और मारो बेशक मुझे सुला दो। हाँ जी चलें जी, सारी फैमिली को हमारी तरफ से, सब देखने वालों की तरफ से ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह ताला फिर खाने पीने के टाइम मिलेंगे। चलें हसन जानी ले आए भाई ने कहा हसन जानी मिलवा दो। वो किधर है? लेने गई है, एक मिनट रुको वो मिलने के। ओके हो गया जी। पानी पिला दो शाम को नॉर्मल ठंडा, क्योंकि आज गर्मी जो उबाला दे रही है ना, ईद का मजा तो आ जाएगा जितनी गर्मी हो रही है, जितनी गर्मी की पोजीशन है। मेरे ख्याल में आज जो है ना धूप पे गोश्त बनाएंगे। बोतल मंगवा रही हो सुबह सुबह? और क्या चाहिए, दूध भी बड़ा है ना। नहीं बस फिर मैं तो कहता था पानी बोतल मीठा बनाया था ऐसे वाला? नहीं वो मीठा, मुझे थोड़ा सा दे दे। आप ना फिर इसे दूध दे दे और मुझे ना पानी दे दे। वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है बोतल ना, वैसे ये दूध पी रही है ना। क्या लेने गई है? लगता है आपका मूड है छोरे। चले जी नंबरदार जो है ना लेने जा रहा है नॉर्मल ठंडी बोतल। अभी मैं ईद नमाज पढ़ के आया, मुझे इतनी नींद ने सताया, इतनी सताया कि बड़ी मुश्किल से जागा। हाँ सही हो गया। चले जी बोतल भी आती है, मोहम्मद हसन भी आता है, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। अभी आप साहब ने साथ रहना है क्योंकि अभी मैयुद्दीन वाला घर रहता है, उसके बाद अबू जान भी रहते हैं ईद मिलने के लिए। अबू जान को भी आएंगे, पता नहीं कब आता है, तो फिर उनको भी मिलेंगे और आप सब से भी मिलवाएंगे। हाँ जी और अबू जान से ईद की खर्ची भी लेंगे। हाँ इस बार तो जरूर लेंगे इंशाल्लाह। और देंगे भी, हमारा हक बनता है हम दें। हम तो देते होते हैं लेकिन अबू जान खुशी से जो हमें देते हैं ना, 100-200 ये लो बेटा ईद की खर्ची, वो बड़ी जबरदस्त होती है। माशाल्लाह जी कोल्ड ड्रिंक जो है वो आ चुकी है। सुबह सुबह अभी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम। और मोहम्मद हसन आ चुके हो शहजादे? ओ शहजादे आ चुके हो? और सपा ने जो है ना जैनब की तैयारी करवाना शुरू कर दी है। सही हो गया, वो भी खुश हो रही है कि अच्छी तैयार हो जाऊंगी अब। वो तो चलो गैर काट देती। जैसी मैं तैयारी भी वैसी करते ना। हाँ बिल्कुल वो फिर उसको वैसे तैयार करेगी ना। हाँ उतनी फैशन। चलें जी बोतल आ गई, पी लेते हैं अब। अभी जी गर्मी इतनी हो गई कि हम और बेबो हम पीछे रह गए और सबा जो है ना वो भागी जा रही है अपने घर। वो जा रही है जी बहुत दूर चली गई है। गर्मी जो है ना वो रुक नहीं जाती। हाँ जी लेकिन आज हवा चल रही है लेकिन वो भी छांव में लगती है, धूप में नहीं लगती। धूप में नहीं लगती। और ये देखो नाराज हुआ पड़ा है गर्मी से। हाँ
भाई इसको चल के अंदर डालते हैं झूले में, फिर क्यों बिल्कुल नाराज है, इसको पहले नहलाते हैं फिर। हाँ जी, पहले इसको रेडी करते हैं, फिर नहलाना है। अभी तो आपने सुबह नहलाया है। हाँ, वो गर्मी है ना, न्यू सूट पहना हुआ, उसको गर्मी लग रही है। सही, चले आ जाए आ जाए आ जाए। चलो चलो चलो, कपड़ा ही दो। अब जी आ गए माशाल्लाह। अबू जान भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और अभी हम सबको ईद मिल के आ चुके हैं, आखिर में आ गए अबू जान। अबू जान आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक अबू। ईद मुबारक मम्मा दोस्तों को मुबारक। वो नाराज है गर्मी से, लाल शक्ल बनाई हुई है। बेबो, दादे अबू को ईद मुबारक नहीं दी? हाँ, दादे अबू को नहीं मिले? वो सबसे नाराज है। अम्मी जान को मिलने गए थे, ईद मुबारक देने गए थे। चलें जी, अभी अंदर चलते हैं, पंखा वगैरह चलाते हैं और बैठते हैं। जी हाँ, सुबह से गोलियां मार रहा है ये सबको। हाँ जी, ठंडा हुआ पड़ा है। चलें जी, अभी पंखा चल गया है तो अभी हम यहाँ पे करते हैं जी रेस्ट। चलो आसान। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी ना हम आपसे यहाँ पर लेंगे इजाजत, क्योंकि फिर हमने अपने काम काज करने हैं, अपनी जो है ना खाना पीना, उसके बाद फिर कुर्बानी वाले जानवर जो हैं वो ज़िबा करने हैं, उधर भी मैंने जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी जो है वो हमारी है, तकरीबन जानवर बड़ा भी है, बकरे भी हैं, इस तरह से ना। तो मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, अहमद भाई आपने जो है वो कुर्बानी वगैरह नहीं रखी तो कुर्बानी वगैरह है, क्योंकि इधर आपको पता है हम जानवर इधर अपने घर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि फर्श है ना, एक तो जानवर गिर भी सकता है, दूसरा यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं थी। हमने उधर खड़ा किया, जहाँ से लिया उनके पास ही खड़ा किया, अभी जाके खींचेंगे उनको और जाकर ज़िबा करेंगे और अपनी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी करेंगे और इंशाल्लाह फिर गोश्त जब लेके आएंगे आपको दिखाएंगे, फिर जब शापरू में पैकिंग करेंगे, सब गरीब मुस्तहक लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, क्योंकि यही ईद का दिन होता है। ऐसी भी फैमिलीज मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी भी फैमिलीज मौजूद हैं जो कि ईद वाले दिन जो है ना उनको गोश्त नसीब होता है, सिर्फ ईद वाले दिन। किसी किसी बेचारों को तो नसीब ही नहीं होता। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम अपने इर्द गिर्द जितने भी हमारे गरीब गुरबा हैं जिनकी कुर्बानी नहीं है, इंशाल्लाह ताला, हमारी एक सिस्टर है यूके से, उनके दो हिस्से हैं एक जानवर में, और एक जानवर में हमारे तीन हिस्से हैं, एक बकरे में हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा सा हम रख लेंगे, बाकी सारा शापरू में पैक करके इंशाल्लाह ताला हम तकसीम करेंगे। तो जिन जिन को भी कुर्बानी है वो अपने इर्द गिर्द अपने लोगों का खास ख्याल रखें, यही टाइम होता है उन गरीबों का गोश्त खाने का, तो आप सबने ज़रूर उनके घर घर जाकर पहुँचाना है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी, बाय बाय।